दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें शराब कांड में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपने आप को सबसे ईमानदार कहने वाली पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। अरविंद केजरीवाल को ये चौथा समन भेजा गया है और इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 3 समन जारी किए जा चुके हैं और वह एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। एक बार फिर जांच एजेंसी ईडी और विपक्षी नेताओं के बीच टकराव तेज हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथा समन मिला है, लेकिन उससे पहले मिले समन में वो पेश नहीं हुए। आप पार्टी ने अंदेशा जताया कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तब से ये सवाल उठा कि ईडी किसी मामले में समन कब करती है, कितनी बार करती है, अरेस्ट करने के पीछे क्या तर्क होता है, क्या किसी सीएम को भी ईडी अरेस्ट कर सकती है। एक बार फिर इन सवालों के इर्द गिर्द सियासत भी शुरू हो गई है। ईडी कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को 3 बार समन भेज चुकी है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर गिरफ्तार करती है तो उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि केंद्र ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और उन्हें राजनीतिक वजहों से समन भेजा जा रहा है। आपका ये जानना भी जरूर है कि केजरीवाल के ऊपर किन कानून के चलते सिकंजा कसने की तैयारी ईडी कर रही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेशन 50 ईडी को समन करने का अधिकार देता है। सेक्शन के तहत डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर किसी को भी समन कर सकते हैं। सेक्शन 50 के तहत किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने और दस्तावेजों को पेश करने और बयान दर्ज करने की जरूरत होती है। दिल्ली हाई कोर्ट एक फैसले के मुताबिक गिरफ्तार करने की शक्ति पीएमएलए के सेक्शन 50 में मौजूद ही नहीं है। हालांकि सेक्शन 19 ईडी के अधिकारियों को शर्तों को पूरा करने पर किसी शख्स को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। इसके अलावा समन के बाद भी किसी शख्स के पेश न होने पर ईडी कोर्ट भी अप्रोच कर सकती है और किसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल कर सकती है। इसके लिए ईडी को कोर्ट में साबित करना होगा कि प्रथम दृष्टया उसके पास सबूत है जिसके खिलाफ समन किया गया है या जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। केजरीवाल का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि वो प्रचार ना कर सके। वैसे देखा जाए तो आप पार्टी में चुनाव प्रचार करने वाले अकेले अरविंद केजरीवाल ही हैं। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो जनता के बीच प्रचार करने वाला कोई बड़ा नेता आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार के 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहली शराब घोटाले मामले में जेल में हैं। उधर केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों की राय भी लेनी शुरू की है कि अगर वे गिरफ्तार होते हैं तो क्या उन्हें सीएम रहना चाहिए। इससे पहले उनकी पार्टी के विधायक प्रस्ताव पास कर चुके हैं और केजरीवाल को सीएम रहना चाहिए। बहरहाल सियासत में हर कदम को बड़े दांव पेच के साथ रखना पड़ता है, उसके नफे नुकसान का पहले ही अंदाजा निकालना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते या नहीं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती या नहीं।